दोस्तों आज हम बात करेंगे बाबा चौहरमल के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दलितों के हित के लिए लड़ने वाले तेजस्वी एवं बलशाली बाबा चौहरमल का जन्म 4 अप्रैल 1313 बिहार में मोकामा अंचल क्षेत्र के शंकरवाड़ा टोला में हुआ था। तब इस क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म दुसाध जाति के एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता बंदीमल और माता रघुमती थी। बाबा चौहरमल हमेशा गरीबों के हित की बातें करते थे। गरीबों को उनका अधिकार मिले उसके लिए बाबा चौहरमल उस समय के सरकार से अपनी बात रखते थे और गरीबों को उनका हक दिलवाते थे। देखते ही देखते बाबा चौहरमल पूरे गांव के मसीहा बन चुके थे। बाबा चौहरमल जिस गांव में रहते थे उस गांव के बुजुर्गों से बात करने से पता चलता है शंकरवाड़ा टोला से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर में बाबा चौहरमल के दोस्त अजवी सिंह का घर था। बाबा चौहरमल और अजवी सिंह में काफी अच्छी दोस्ती थी। ये दोनों साथ साथ पढ़ने जाया करते थे। गाय भैंस चराने भी साथ में ही जाया करते थे। खेतों में काम भी साथ साथ किया करते थे। हालांकि अजवी सिंह का जमीनी क्षेत्रफल बाबा चौहरमल से ज़्यादा था और इन्हीं ज़मीनों में लोग अपने गाय भैंस चराने जाया करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि अजवी सिंह की एक बहन थी जिसका नाम था रेशमा। रेशमा बाबा चौहरमल से एक तरफा अटूट प्रेम करती थी। रेशमा ने बाबा चौहरमल से कई बार प्रेम का इजहार करना चाहा, लेकिन नाकामयाब हो जाती थी। एक दिन बाबा चौहरमल अकेले में अपने पशु चरा रहे थे। वहां पर रेशमा को आते देख काफी हैरान हो उठे बाबा चौहरमल। रेशमा बाबा चौहरमल के पास आकर अपने दिल की सारी दास्तान सुनाती है, लेकिन बाबा रेशमा को यह कहकर मना कर देते हैं कि यह असंभव है। अजबी हमारा दोस्त है और मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। यह बात सुनकर रेशमा गुस्से से लाल हो गई। उस पर मानो तूफानों के बादल मंडराने लगे। गुस्से में रेशमा ने अपने कपड़े फाड़ डाले और चिल्ला चिल्ला कर लोगों से बताया कि चौहरमल ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। इस बात से पूरे गांव में कोहराम मच गया, लेकिन किसी को भी रेशमा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि चौहरमल का व्यवहार कैसा था ये पूरे गाँव वालों को पता था। रेशमा के घर वालों को जब यह बात पता चली तो सभी लोग गुस्से से आग बबूले हो गए। अजवी सिंह भी अब चौहरमल से नफरत करने लगा था। अजवी सिंह ने बाबा चौहरमल के पूरे परिवार को बंधक बना लिया और पूरे गांव को चेतावनी दे दिया कि कोई भी हमारे जमीन पर गाय भैंस नहीं चराएगा, जो भी ऐसा करेगा वह मारा जाएगा। बाबा चौहरमल को जब यह बात पता चली उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने गाँव वालों से कहा, आप लोग अपने अपने पशु चराइए, मैं अपने परिवार को छुड़ा कर लाता हूँ। बाबा चौहरमल अपनी तलवार लेकर अपने परिवार को छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। बाबा चौहरमल और अजवी सिंह में बहस होती है और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। तकरीबन 1 घंटे लड़ाई चलने के बाद अंततः बाबा चौहरमल ने अजवी सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया और अपने परिवार को सुरक्षित घर लेकर आए। दोस्तों इसके आगे क्या हुआ, चौहरमल ने रेशमा प्रेम को कबूल किया या नहीं, बाबा चौहरमल का अंत कैसे हुआ, इसके लिए आपको देखना होगा बाबा चौहरमल का भाग 2। दोस्तों भाग 2 आपको देखना है तो आपको कमेंट में लिखना होगा भाग 2। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।